Hello everyone and welcome back to this channel. Before starting today's video, I on the behalf of the whole team of Great Vlog would like to thank you aapke support ke liye hamare pichle video. Hame bahut khushi hai, we as a team are very overwhelmed. Thank you so much for your support aur hum ummeed karte hain ki hum aapko kabhi bhi disappoint na kare. To chaliye aaj ki business news ke sath aage badhte hain. Main hu Aastha Dubey aur aap dekh rahe hain Great Vlog. तो चलिए आज आपको पहले कोई पॉजिटिव खबर सुनाई. तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि उन्होंने देश में 50,000 नए स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज किया है. अब हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में एक स्टार्टअप है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से 45% स्टार्टअप्स आर ओन्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. अगली खबर ये है कि इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला, जिससे हम सभी वाकिफ हैं, वो इंडिया में लीडिंग पोजीशंस के लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं. अगर आपको लगता है कि आप में वो पोटेंशियल है तो जरूर अप्लाई करें. अगली खबर है रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बारे में. उन्होंने कोविड-19 की वजह से 2020 और 2021 में बिल्कुल भी सैलरी नहीं ली. रिपोर्टेडली उनकी सैलरी 15 करोड़ पर एनम है, लेकिन इस साल उन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कोई सैलरी नहीं ली. मुंबई के एक पीएमएलए कोर्ट ने बैंक्स को अलाउ कर दिया है विजय माल्या की 5,600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेचने के लिए. इंडिया टेक के सीईओ रमेश कैलासन ने योर स्टोरी को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि सबसे बड़े कंसर्न की बात तो ये है कि लोग क्रिप्टो को एज अ करेंसी देख रहे हैं इंडिया में. उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो को डिजिटल एसेट्स के रूप में देखना चाहिए, ना कि करेंसी के रूप में. आप हमें बताइए, आप इस बात से कितने सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी ही फ्यूचर की करेंसी है? Nike plans to go public at $4.5 billion valuation in fiscal year 2020. पहले ये रेवेन्यू $3 billion बताया जा रहा था, लेकिन जाहिर सी बात है Nike बहुत फायदे में चल रही है क्योंकि इनके कस्टमर्स कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम भी इनसे शॉपिंग कर रहे हैं. गुड़गांव बेस्ड स्टार्टअप अर्बन कंपनी ने रेस किए हैं $255 million. इसी के साथ नाउ दे आर वैल्यूड एट $2.1 billion. उनका ये स्टेटमेंट वेडनेसडे को आया उनके को फाउंडर के. विप्रो बिकम्स थर्ड आईटी कंपनी टू क्रॉस 3 lakh crore मार्केट कैप. इससे पहले टाटा और इंफोसिस ये मार्क क्रॉस कर चुके थे. विप्रो के साथ ये ऐसे हुआ कि उनके जो शेयर्स थे वो ऑल टाइम हाई ₹550 पर पहुंच गए BSE. इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी जुलाई से शुरू हो सकती है. एक मिनट, क्या आपको भी लगा ये ज्यादा ही एम्बिशियस हो गया? ये तो उन्होंने खुद माना, लेकिन ही फर्दर एडेड दैट इफ दे वैक्सीनेट 1 crore पीपल इन अ डे तो ये आइडिया एम्बिशियस हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं. आप अपनी राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं. चाइनीज गवर्नमेंट ने एक्यूज किया है H&M, Nike और Zara जैसे ब्रांड्स को कि वो बच्चों के लिए अनसेफ कपड़े और जूते बनाते हैं. उनका कहना है कि वो टॉक्सिक डाइस अपने कपड़ों में यूज करते हैं और उनके जो जूते थे वो स्ट्रेंथ टेस्ट में फेल हो गए. क्या आप इन सारे ब्रांड्स के कंज्यूमर्स हैं? हमें अपनी राय इस एलिगेशन के बारे में जरूर बताएं. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कंत का कहना है कि देश में 1991 से पब्लिक सेक्टर से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर ने ग्रोथ. यूनाइटेड नेशंस के अनुसार ग्लोबल फूड प्राइसेस अपने हाईएस्ट पर हैं इस समय कोविड के दौरान. मुझे लगता है ये जस्टिफाइड भी है क्योंकि कोविड की वजह से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर बहुत फर्क पड़ा है, खाद और साथ ही साथ प्रोडक्शन पे भी बहुत फर्क पड़ा है. कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से जो ट्रैवल पर पाबंदी लगी है उस पर CAPA ने कहा है कि जो इंडियन एयरलाइंस को नुकसान हुआ है वो $8 billion तक का है. तो केरला गवर्नमेंट ने अपने बजट में 20,000 करोड़ कोविड-19 से लड़ने के लिए अनाउंस करे हैं. एडिशनल 1,000 करोड़ अनाउंस किए गए हैं फ्री वैक्सीनेशन के लिए. US के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी कहीं ना कहीं ट्रंप की ही राह पर चल रहे हैं. उन्होंने चाइनीज डिफेंस में और टेक फर्म्स में इन्वेस्टमेंट बैन कर दी है. आपको क्या लगता है ये अमेरिका वर्सेस चाइना क्यों चल रहा है और कब तक चलेगा और इसमें विक्टोरियस होके कौन आएगा? अगली खबर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने सीरम इंस्टीट्यूट को परमिशन दे दी है रशिया की स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन इंडिया में शुरू करने के लिए.
बस जल्दी से ये वैक्सीन आ जाए, सारे लोग जल्दी से वैक्सीनेट हो जाएं ताकि हमारी कंट्री एक कोविड फ्री कंट्री बन जाए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आरबीआई ने कहा था कि उनका पुराना सर्कुलर 2018 का है, उसे अब बैंक यूज नहीं कर सकते अपने कस्टमर्स को क्रिप्टो के लिए बॉन्ड करने के लिए। तो HDFC बैंक ने अपने कस्टमर्स को एक ईमेल के थ्रू रिट्रैक्ट कर लिया है। उनका कहना है कि वो सर्कुलर वैलिड नहीं है, तो फिलहाल क्रिप्टो से रिलेटेड आप ट्रांजैक्शन करें तो आपके पास कोई वार्निंग नहीं आएगी। भैया इलॉन मस्क ने एक बार फिर से बिटकॉइन को जो है नुकसान करवा दिया। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें बिटकॉइन के साथ एक टूटा हुआ दिल लगा दिया, उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस काफी गिर गया। मुझे तो लग रहा है इलॉन मस्क डोजकॉइन का हाथ पकड़ चुके हैं और बिटकॉइन का हाथ लगभग छोड़ चुके हैं। जो मेरे दोस्त हैं जिन्हें क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, आपको क्या लगता है हमें जरूर बताइए। अगली काफी चौंका देने वाली खबर ये है कि मुंबई के आसपास के एरियाज में रेलवे ने टिकटलेस पैसेंजर्स से पिछले 2 महीनों में 9.5 करोड़ रुपीज कलेक्ट किए हैं एज अ फाइन। मुझे लगता था एक दो ही लोग होते होंगे जो बिना रेलवे टिकट के चढ़ते होंगे ट्रेनों में, लेकिन लग रहा है ऐसा नहीं है, काफी लोग ये करते हैं। और ये डेटा तो सिर्फ मुंबई के पास आसपास का है, मुंबई और मुंबई के बाहरी इलाकों का, पूरे देश का अगर हम ऐसे जोड़ने लगे तो पता ही नहीं कितना डेटा निकलेगा। आज के लिए बस इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मेक श्योर यू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। हम आपके पास लाते रहेंगे ऐसे ही बढ़िया मजेदार कॉन्टेंट। थैंक यू।